मैं रात के लिए भी सब्जी भी बना रहा हूँ, वैसे कर दी उसे रात के लिए भी थोड़ा दे देता हूँ ना, 2 दिन आलू ज़्यादा दे दिया हूँ ना, थोड़ा सोयाबीन भी, क्योंकि रात को सब्जी फिर नहीं बनानी पड़ेगी। आइडिया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड मैं तैयार हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ न्यूज़पेपर लाने के लिए, बिकॉज मैं अपने आँखों से देखा हूँ न्यूज़पेपर आई है। तो चलते हुए जाने के लिए पहले बालकनी से भी का सीन देखते हैं। देखो भाई क्या मौसम है, देखो भाई। सो गाइस, बूंदाबांदी भी हो रही है, चलते हैं न्यूज़पेपर लाने। और क्या, साइकिल साइकिल, ये देखो भाई यहाँ का हाल, कितना कंजेस्टेड है। स्कूल वाले आते हैं, शायरी को निकाल के बाहर फेंक डालते हैं। पहले न्यूज़पेपर कहाँ है भाई, अंदर फेंकते देखा था, इधर रहे। यहाँ का सीन देखो भाई। सो भाई चलते हैं, चलते हैं। सो भाई न्यूज़पेपर तो आ गई, अब पढ़ाई पे बैठते हैं, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज दे रखा करना है वो करेंगे। आज तो मेरी पढ़ाई समाप्त होती है, चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं, उससे पहले चावल में बना लेता हूँ। चलते हैं, चावल चढ़ाते हैं। आज मैं दाल चोखा नहीं बनाने वाला, क्योंकि सर बोले कि सब्जी बनानी है, तो सब्जी बोले हैं कि सोयाबीन आलू का बनाने के, तो बोला कि कैसे बनेगा, मैं बना लूंगा। सोयाबीन सिझाना होता है, क्या करना होता है, तो बोले कि आलू सिझा के रखना, सोयाबीन सिझा के मैं आऊंगा तो बना लूंगा। सो मैं सिर्फ आलू वगैरह बाद में सिझा लूंगा, जब आने वाले रहेंगे उस टाइम, अभी सिझा के क्या फायदा। हाँ, तो सिर्फ मैं चावल बनाता हूँ एंड अब मैं एक्सरसाइज मेरे करता हूँ गाइस। अभी जस्ट मैं नहा कर आया हूँ और मैं यहाँ पे आना के सामने खड़ा होके बाहर जा रहा था, तो सबसे एक गेट खड़का है, ठट ठट ठट, बोले खोला जी। मैं बोले कौन है यार, खोले तो देखे, तो नीचे वाली एक आंटी जी थी, जो कि प्रसाद लेके आए थे बाबा धाम की, उनके बेटे जी गए थे बाबा धाम। सो वही प्रसाद, तो प्रसाद मैंने कटोरी में लिया, अपना कटोरी में रख लिया, उनका कटोरी दे दिया हूँ। सो जल्दी से मैं गाइस पहनता हूँ एंड खाता पीता हूँ, पढ़ाई भी बैठता हूँ यार, बिकॉज मेरी कल एग्जाम है। सो पढ़ाई करते हैं एंड भागवत गीता कल नहीं परसों ही पढ़ेंगे, बिकॉज आज तो पढ़ूंगा नहीं, बिकॉज कल के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, कल तो एग्जाम ही है, तो परसों भी पढ़ेंगे आराम से। सो मैं जल्दी से सारी चीजें करता हूँ यार, कहते मैं पढ़ाई कर रहा था बट बेस भी आए हैं, तो मैं जल्दी से चावल तो बना ही लिया था, आलू चढ़ा दिया हूँ सीखने के लिए, उसरने के लिए, और इधर ठंडा पानी में सोयाबीन दे दिया हूँ फूलने के लिए, तो लगभग फूल भी गई, देखो लगभग फूल भी गई है, एक दो लोटा फूल जाएगी एंड इसे निवेश बनाएंगे। थोड़ा बहुत हेल्प मैं भी करूँगा, अरे भाई प्याज नहीं काटा, प्याज नहीं काटता हूँ, फिर उसके बाद क्या दिवस बनाएंगे, मैं पढ़ाई करूँगा फिर खाएंगे। और क्या, मैं रात के लिए भी सब्जी भी बना रहा हूँ, दिवस रात के लिए भी थोड़ा देता हूँ, 2 दिन आलू ज़्यादा दे दिया हूँ, थोड़ा सोयाबीन भी,
कल रात को सब्जी फिर नहीं बनानी पड़ेगी। आइडिया। सूरज में प्याज काटता हूँ यार। निकल प्याज, निकल निकल। सूरज में काटता हूँ, मिलता हूँ। आज की खाना तैयार है। सो हे गाइस, अभी रात के 9+ हो रहे हैं, लगभग 9:15-20 हो रहे होंगे। अरे गाइस, अभी मैं सो गया था लगभग 10 मिनट पहले, फिर अभी उठा, अलार्म लगाया था, शायद अलार्म बजी ना बजी पता नहीं चला मेरे को। मच्छर वगैरह पूरा काट यार, टूट जाए तुरंत पानी मारा, बिकॉज अब टाइम हो चुका रोटी बनाने के लिए। मेरे को नींद आएगी तो खाना भी नहीं बन पाएगा। सो गाइस, अब होते ब्लॉग एनी टाइम, वीडियो पे हम लाइक करने होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरे को नींद बहुत आ रही है यार, बट मेरे को रोटी बनानी है, सब्जी तो दिन में ज्यादा बनाया ही था, बहुत दिल से बनाए थे। सो गाइस मिलते हैं। सो गाइस, अभी जस्ट मैं हाटा सुन रहा था, अरे बता गाइस, मोटर चालू हुई तो ऊपर से भैया बोल रहे थे कि अभी चलने दो, पानी मतलब कि कम है टंकी में। सो एक आएक हमको आता है नीचे से, क्यों यार साइकिल, साइकिल में अंदर किया कि नहीं, मैं तुरंत हाथ धोया, आटा सुन रहा हूँ, हाथ धोया तुरंत नीचे गया, तो नीचे बगल वाले रूम में एक लड़का, नीचे नीचे के रूम में लड़का रहते हैं, वो बोले कि मैंने कह दिया है तुम्हारा साइकिल अंदर। तो मैं जैसे नीचे जा ही रहा था तो एक फ्लोर नीचे गया ही था, फिर मैं वापस चला आया। यार बहुत डर लगती है, नीचे छूट जाती है तो, बिकॉज भैया जी का बाइक भी नीचे से ही चोरी हुआ था, तो दर्द बहुत दुख और डर लगता है यार। चलो अंदर कर दिया था, ठीक है। सो चलते हैं अगेन, अब बनाते हैं रोटी वो रहा आटा।